हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ होम टूर, वो भी देवरिया के घर का। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है मेन गेट और यहाँ पे कुछ फूल रखे हुए थे, मतलब पूजा के लिए रोज ही फूल आते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये रहा गेट से अंदर जाने का। और सामने वो जो दिख रहा है वो है मेरे देवर का कमरा, और साइड में जो ये खिड़की के बगल में जो गेट दिख रहा है, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, जो कि रेंटर लोग रहते हैं। और आपको मैं आज पूरा व्यू दिखाऊंगी फ्रेंड्स। गांव के तो घर का आपको मैं आपका आपको दिखाई ही हूँ वीडियो, लेकिन आज मैं सोची कि चलिए देवरिया के घर का भी एक होम टूर आपको करा ही देती हूँ। और ये है फ्रेंड्स, मेरे बेडरूम के बगल में एक और रूम है, जो कि पहले इसमें गाय रहती थी, लेकिन अभी कुछ नहीं है, कबाड़ी है। और चलिए अंदर चलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रहा मेरा ड्राइंग रूम, और ये बैठी है मेरी देवरानी, जो कि चुन रही है चावल। और सुबह का टाइम था, तो मेरी सासू माँ पूजा कर रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ड्राइंग रूम। हे गाइस, तो ये रहा मेरा किचन, और किचन ड्राइंग रूम के जस्ट बगल में ही है। तो ये है किचन, और मेरे यहाँ दो किचन है। और ये रहा फूल, जो कि गेट के पास माली ला के रख देता है। तो मेरी सासू माँ पूजा कर रही थी, तो साथ में मैं सोची कि जब होम टूर कर रही हूँ तो बाहर फूल रखे हुए थे, तो मैं लेके आ गई। और फ्रेंड्स, ये रहा मेरा बेडरूम, और मेरा बेडरूम थोड़ा सा मैसी है, सो ज़्यादा माइंड मत करना। मैं सुबह सुबह उठ के सोची कि फटाफट से वीडियो बना ही लेती हूँ। तो ये है मेरा बेडरूम, और मुझे यहाँ रहना नहीं होता है, इसलिए थोड़ी सी साफ़ सफाई कम है, बट आप लोग मैनेज कर लेना यार। तो किचन के जस्ट बगल में ही मेरा बेडरूम है और ड्राइंग रूम है। और सामने ये दिख रहा है, ये है हॉल, आई मीन आंगन है। पहले तो आंगन ही होते थे, लेकिन अभी मतलब हॉल ही है। और ये रहा किचन, और ये रहा हॉल, और साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरी सासू माँ का कमरा है, और ये रहा मेरी सासू माँ का कमरा। तो कमरा भी ये थोड़ा सा मैसी था, तो ज़्यादा माइंड मत करना, क्योंकि शादी के बाद जब हम लोग आए हैं ना घर पे यहाँ पे, तो बहुत ऐसी चीज़ें अभी थोड़ी थोड़ी सी बिखरी हुई हैं, सारे सामान की सही जगह पे सेट हम लोग नहीं कर पाए हैं। और जस्ट हॉल से होते हुए ये रहा एक वॉशरूम, और वॉशरूम के बाद ये रहा हॉल में ही हमारा वॉशिंग मशीन है, और ये रहा दूसरा वॉशरूम। तो हमारे यहाँ दो वॉशरूम हैं, एक कमबोर्ड वाले हैं टॉयलेट, और एक नीचे सीट वाले जो होते हैं ना वो हैं। और वहाँ हॉल से होते हुए वो रहा पूजा वाला, और वहाँ पे ड्राइंग वाला है। अभी डाइनिंग टेबल रखा नहीं गया है, अभी कुछ सेट वेट नहीं हुआ है। और साइड में एक और कमरा है यहाँ पे, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा मैसी था, मतलब ज़्यादा माइंड मत करना। बस ऐसे मैं होम टूर के लिए वीडियो बना ली थी, क्योंकि मुझे अभी बेंगलोर निकलना है, तो इसलिए मैं सोची कि फटाफट से वीडियो बना लेती हूँ मैं। और ये रहा मेरे देवर के कमरे से जस्ट सटा हुआ एक और किचन है। हमारे यहाँ दो किचन हैं, दो वॉशरूम हैं, और ये देख सकते हैं, ये है मेरे देवरानी का कमरा, जो कि देख सकते हैं आप लोग बहुत अच्छे से सजा वजा के रखी हुई है। अभी उसका एसी नहीं लगा है, एसी बाद में लगेगा। और ये पीछे पीछे का जो भी थोड़े से मैसी है, उसको आप ज़्यादा माइंड मत करना फ्रेंड्स। तो ये रहा मेरा देवरानी का कमरा, और ये आंगन से होते हुए छत पे जाने के लिए सीढ़ी वाला रूम है, जो कि हम लोग अंदर से सीढ़ी पे जा सकते हैं, और वो गेट है, तो बाहर बाहर सिर्फ रेंटर लोग उधर से जाते हैं, क्योंकि अंदर से जाने का उन लोगों को कोई रास्ता नहीं है, ये इधर से ही जाते हैं, मतलब बाहर से ही होके जाते हैं। और मैं चल रही हूँ सेकंड फ्लोर पे सीढ़ी से चढ़ते हुए, और आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है हमारा सेकंड फ्लोर, और यहाँ इधर साइड में जो पर्दा दिख रहा है, यहाँ पे एक रेंटर रहते हैं,
और दो पर्दे दिख रहे हैं, वहाँ पे दो रेंटर रहते हैं। तो हमारे यहाँ तीन फ्लैट है ऊपर, दो दो रूम का। मैं अंदर नहीं गई क्योंकि वहाँ रेंटर लोग अपने रूम रूम में थे, तो मैं इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा अंदर जाके नहीं दिखाई हूँ। कभी मुझे फुर्सत में टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी फ्रेंड्स। और ये है मेरा थर्ड फ्लोर, और आप लोगों को मैं दिखाऊँगी देवरिया का पूरा व्यू। तो देख सकते हैं, ये है मेरा थर्ड फ्लोर और देवरिया का ये है व्यू, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और नीचे से देख सकते हैं, वो रहा हमारा मेन गेट, जो कि मम्मी बाहर से आ रही हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। और वो है हमारा जो करकट दिख रहा है, वो हमारा गैरेज है। और देख सकते हैं यहाँ आगे भी हम लोग के स्पेस हैं, वहाँ चाहे तो एक दो रूम और लेटरिन बाथ, मतलब दो रूम का एक फ्लैट बन सकता है 2 BHK का। आगे बहुत ज़्यादा स्पेस है। और साइड में भी देख लीजिए फ्रेंड्स, ये लंबा सा पूरा स्पेस बचा हुआ है। इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे, वहाँ कुछ बनाना होगा तो हम लोग बनाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये है पूरा व्यू। और सामने जो बड़ी वाली बिल्डिंग दिख रही है, उसके पीछे मेरी सिस्टर रहती है, मेरी कज़न सिस्टर की शादी हुई है, मतलब और 10-12 घर के पीछे है। और ये है देवरिया का व्यू। और सुबह के बज गए थे 10:30, और धूप बहुत अच्छी खासी अभी तो निकल रही है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।